हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम फिर से एक बार आपके लोगों के साथ आ गया हूँ एक नए रिव्यू को लेकर। तो चलिए इस रिव्यू को पूरा देखना, इसमें बहुत ही एक्साइटमेंट होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते होंगे, अमेजोन से हमारा एक पार्सल आ चुका है। तो इसके अंदर है क्या, इसको हम रिव्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने एक ले लिया है फैंसी ओवन, इसको काटते हैं अब। कर रहे हैं को काट दिया है हमने, और बाहर आ गया है बॉक्स, और इसको रखते हैं साइड में। तो देख सकते हो आप लोगों के साथ हमारा बॉक्स आ चुका है। तो इस बॉक्स को अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं कह देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस तरह के बहुत सारे रिव्यू वीडियो देखने के लिए। तो चलिए इस बॉक्स को करते हैं अनबॉक्सिंग। तो हमने एक छुरी को ले लिया है, नाइफ को, और इसको कट करते हैं। इसको करते हैं कट। इधर से नहीं, इधर से कट करते हैं। अमेज़न प्राइम की तरफ से आप लोग देख ही सकते होंगे, अमेज़न प्राइम। तो आप लोग शायद देख ही पा रहे होंगे अच्छे से कि ये हमारा नाजरो 50A का फोन हो गया है बाहर। तो इसको हम इसे करते हैं अनबॉक्सिंग, और इसका को रखते हैं हम साइड में। तो चलिए ये शुरू करते हैं। हम इसको काटने जा रहे हैं, और ये करने के लिए तो मेरा हाथ तरस ही जाता है। देख सकते हैं कितना मुलायम है ये, और ये मुझे करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारे फोनों का किया है, और हर एक फोन में ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों को भी शायद लगता होगा, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये करने के लिए। और ये हमारा फोन हो गया है अनबॉक्स। तो इसको भी सब रखते हैं साइड में, और इसके बाद में मुझे जब सबसे अच्छा लगता है वो क्या मैं दिखाता हूँ। इस तरह से फोन को करते हैं, फोन के खाप को हम जो बॉक्स को काट रहे हैं, इससे पहले यहाँ पे भी एक सील है, तो इसको भी हम कट करते हैं। यहाँ पे भी एक सील है, इसको भी हम नाइफ से कट करेंगे। हम कर लिया है कट, और दिखाते हैं मुझे सबसे अच्छा इसमें क्या लगता है बॉक्स ओपन करने के बाद। तो जैसे ही देख सकते होंगे आप, ये बॉक्स के ऊपर कवर हो गया है ओपन। फिर यहाँ से जब मैं रख देता हूँ, तो बहुत सारे बॉक्स का खुद से ही नीचे आ जाता है, और इस बॉक्स का क्या पता नहीं हो रहा है, मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है। इस बॉक्स का फिर से एक बार ट्राई करते हैं। नहीं नहीं, नीचे नहीं आ रहा है, इधर उधर हो रहा है पर नीचे नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं इस बॉक्स को भी साइड में रखता हूँ, और पहले पे क्या देने दे रहे हैं, और इसके जो फीचर्स है वो सब भी आप देख सकते हैं। मैं उसको भी यहाँ पे डिटेल में बोलूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 50MP का AI ट्रिपल कैमरा है, हेलियो G85 गेमिंग प्रोसेसर है, 6000 mAh का मेगा बैटरी भी है, और 18W का एक क्विक चार्जर भी है। वेट था 207, माने मतलब 207 ग्राम का है ये टोटल फोन। और एक उसके साथ में क्विक गाइड भी है, सेफ्टी गाइड भी है, एक एक करके सिम डेटा मैं जो कह चुका हूँ, वो चार्जर भी वो तो है, आप लोगों को पहले मैं दिखा चुका हूँ। और इसको रखते हैं साइड में, और इसका जो रैम और रोम है वो 4GB एंड 128GB है। जो रोम है 128GB का है इसका रोम, तो इसको रखते हैं साइड में। और इसमें जो है इसका जो कलर है वो ऑक्सीजन ग्रीन है, मतलब इसका जो कलर है वो ऑक्सीजन ग्रीन है, आप लोग देख ही सकते होंगे इसका जो कलर है ये ऑक्सीजन ग्रीन है। तो देख सकते हैं ये पहला बुक एक हो गया है फील द पावर, एंड इसके अंदर है आप लोग जान सकते हैं पिन कोड है, जिससे
इसकी सिम को करा जा सकता है ओपन। तो ये भी देख सकते हैं आप, करते हैं ऑन। तो इसको ऑन होने से पहले मैं जो सुन रहा था वो शायद मैंने वो प्राइस कितना लगा था वो आप लोगों को दिखाना था मुझे, तो उसका जो प्राइस कार्ड था जो अमेजोन की तरफ से दिया था वो देख सकते हो, आप लोग इतना बड़ा है प्राइस कार्ड। तो इससे हमें प्राइस में जो मिला है वो 10,999 रुपी है, 10,000 अब 11,000 ही समझ सकते, 11,000 से 1 रुपी कम है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। ये हमारा फोन आ गया है हमारे हाथ में, वो देख ही सकते हैं ये कार्ड, इसको भी रखते हैं इधर और फोन आ चुका है हमारे हाथ में और इसको भी हम खोलते हैं धीरे से। मुझे ये कवर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये वाला ऊपर का जो सैचुरेशन कवर है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है इस कवर को। तो इसको भी रखते हैं साइड में और यहाँ पे जो ये है एक, ये आप भी देख सकते हो ये है, और इसका जो फीचर्स के अंदर जो जो क्वालिटी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे एक चार्जर मिला है जो मैंने पहले ही कह दिया था, 18 वाट का एक चार्जर दिया था और फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी है और एक माइक्रो यूएसबी केबल भी था। ये माइक्रो बहुत सारे मोबाइल के मुकाबले इसका फिंगरप्रिंट इधर दिया है, कैमरे के ब्लैक कलर के अंदर ही इसका जो फिंगरप्रिंट लॉक कर दिया है वो फिंगरप्रिंट यहाँ पे दिया हुआ है, जो बहुत सारे मोबाइल से इसको अलग बनाता है। उसके साथ इसका जो कैमरा है ये फ्लैश लाइट है और ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा, ये दो है, ये दो मेगापिक्सल का कैमरा है। और उसके साथ जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, आप देख ही सकते होंगे। और इधर भी है बटन ऑन ऑफ का और एक इधर में साउंड अप एंड डाउन का। तो इसका कलर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो इसको करते हैं बाहर और रखते हैं। और इसमें थोड़ा सा साइड में भी कुछ व्हाइट स्लैश जैसा कुछ दिया हुआ है, आप शायद देख भी सकते होंगे व्हाइट स्लैश जैसा यहाँ पे भी कुछ दिया हुआ है। और ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप देख ही सकते होंगे, यानी ये फ़ोन भी ऑन हो रहा है। और मैं आपको दिखा देता हूँ इसका पिन, जो मुझे भी बाहर निकलने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको यहाँ पे डालना पड़ता है और ये आ गया बाहर, मेरे फ़ोन में ये तो हर समय करता रहता हूँ। ये आ गया बाहर, इस पर एक दो सिम है और एक आप कार्ड भी लगा सकते हैं, वो मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, डुअल सिम एंड ऑन मेमोरी कार्ड भी आप लगा सकते हैं। ये चला गया अंदर। तो ये था आज का हमारा रिव्यू, और इस रिव्यू का अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।